नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और यही वजह है कि लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो हरी सब्जियां सबसे ज्यादा खरीदते हैं। आज के दौर में लोग जिन सब्जियों को फ्रेश और हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि सब्जी बेचने वाले कई लोग हरी सब्जियों को ताजा और हरा दिखाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स से रंग देते हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी सब्जियों को खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। इन सवाल का जवाब हेल्थ एक्सपर्ट से हम जान लेते हैं। तो बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट और एमसीडी के पूर्व सीएमओ डॉक्टर अनिल बंसल के मुताबिक आर्टिफिशियल कलर से रंगी हुई सब्जियां खाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इन कलर से रंगी हुई सब्जियां खाने से पेट में जलन, गैस, इन्फेक्शन के साथ पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। लंबे वक्त तक इन्हीं सब्जियों को खाने से पेट और आंतों का कैंसर भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कलर्स डालने से सब्जी की क्वालिटी बेहद खराब हो जाती है और इसमें अंदर कई खतरनाक केमिकल्स पहुंच जाते हैं। ये केमिकल्स अगर शरीर के अंदर पहुंच जाए तो घातक हो सकते हैं। पेट और आंतों को इन केमिकल्स से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बारिश के मौसम में इसे लेकर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें, डॉक्टर अनिल बंसल कहते हैं कि आर्टिफिशियल कलर्स के असर से बचने के लिए लोगों को सब्जियां खरीदने के बाद उन्हें गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। आप सब्जियों को करीब 1 से 2 घंटे तक पानी में डालकर रख दें ताकि उन पर लगे कलर्स निकल जाएं। अगर संभव हो तो सब्जियों को अच्छी तरह उबालने के बाद ही उन्हें सब्जी या दूसरे व्यंजनों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों को काटते वक्त भी अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। सब्जियां खरीदते वक्त सावधानी बरतें और कोई सब्जी नेचुरल से बेहद ज्यादा रंगीन दिख रही हो तो उसे खरीदने से भी बचें। बारिश के मौसम में सब्जियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना बेहद जरूरी है क्योंकि इस मौसम में सेहत को दुरुस्त रखना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।